Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम आप सबका मूसाज वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बच्चे सारी सारी रात जागते हैं, सोते नहीं हैं, माओ को भी उठा कर रखते हैं, सारी फैमिली जो है वो तंग आई हुई होती है, क्योंकि रात को तो सब भी सोते हैं, सबको ही नींद प्यारी होती है। बच्चे वो ना खुद सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं। बच्चे तो इस तरह के होते हैं कि वो बहुत रोते हैं, सारी सारी रात रोते रहते हैं, और उसकी वजह हम सबको मालूम नहीं होती। या तो ये होती है, यहाँ तो बच्चे के पेट में दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो बता नहीं सकता, छोटा बच्चा होता है, दांत निकल रहे हो तब भी वो बेसुकून होता है, ठीक है, कान में दर्द हो रहा हो तब भी वो बेसुकून होता है, वो सोता नहीं है क्योंकि वो बता नहीं सकता, तो वो सबको रोता ही है, सबको बताता है रो रो के हाय मैं बीमार हो गया, क्योंकि वो ये नहीं बता सकता कि मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। हाँ, अगर ये तीनों चीज़ें बच्चे के अंदर नहीं है, बच्चा फिर भी सा रहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मेरी नानियों दादियों ने हमें बताया हुआ है वो ये है कि खाली सरसों का तेल लें, उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें, बच्चों के पाँव के तलवों के नीचे हल्के हाथ के साथ मसाज कर 5 से 10 मिनट सिर्फ मसाज करें और लाइट ऑफ कर दें, और बच्चा देखिएगा आपको बहुत सुकून से सोना शुरू कर देगा। हफ्ता 10 दिन ये अमल करके देखें, आई एम श्योर 100% मैं आपको बता सकती हूँ कि बच्चा सो जाएगा। इसके अलावा आपका बच्चा अगर वो न्यू चलना शुरू हुआ, अगर वो थक जाए तब भी आप ये अमल कर सकती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी है, जितने आप किसी भी एज को ये करवा सकते हैं, यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके पाँव में भी अगर दर्द है या वैसे है तो आप उन्हें भी मसाज करें, आई एम श्योर वो भी सुकून से सो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।